भाई। तुम लोग कहाँ? जहाँ आपने कहा था वहीं है भाई। अपने सारे लोग आ गए क्या? हाथ में हथियार लेकर सब रेडी है भाई। वो आ गया क्या? वो अभी तक तो नहीं आया भाई। आएगा, हम लोग 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उससे बातों में उलझा कर रखूंगा, तुम चुटकी बजाते ही काम तमाम कर देना। ठीक है भाई। जहाँ तुमने कहा था मैं वहीं पे हूँ। वहाँ गुंडों ने घेर लिया है, दूसरी जगह आ जाना। क्या गुंडे लोग? ए तुम फालतू में टेंशन दे रहे हो। तू क्या मुझे बंदर समझ के नचाना चाहता है? टेंशन क्यों ले रहे हो? आइटम चाहिए या नहीं? ए भाई, वो अभी हमें दूसरी जगह पे बुला रहा है। एक बार मेरे हाथ लग जाए तो। ए पहले आइटम हाथ लगने दे, तब तक के लिए थोड़ा सब्र कर। छे, फोन ही नहीं उठा रहा है वो तो। ए, गाड़ी में बैठो, जब तक बोलू नहीं नीचे मत उतरना। उसी का फोन आया है। ए, कहाँ है तू अभी? तुम तो बहुत जल्दी आ गए, मैं तो अभी तक निकला ही नहीं, बस अभी निकल ही रहा हूँ, समझा? ए, ए, लगता है तू हमें ठीक से जानता नहीं है, इसीलिए दौड़ा रहा है ना? मिल गया ना तो खून से नहला दूंगा। जब तक मैं उनकी आंखों से बचा रहूंगा मैं सेफ हूँ। ये खेल ही कुछ ऐसा है, सब कुछ तेरे लिए। संसार में जिसके पास पैसा है वो अल्टीमेट, जिसके पास पैसा है उसे ही सोसाइटी में प्यार मोहब्बत सम्मान सब मिलता है। बिना पैसे के इंसान एक लाश से भी बदतर है। मैं अर्जुन। अर्जुन बोल रहे हैं? जी हाँ। सुना है आप बाइक बेचना चाहते हैं? जी, हीरो एक्सट्रीम बाइक है। कौन सा कलर? ब्लैक कलर है। और उसका नंबर? हाँ, फैंसी नंबर है, 6555। मॉडल कौन सा है सर? इसी साल का है, 2018। ओके सर, कॉल करूंगा तो बाइक ले आना। थैंक यू। रेट वो सामने बैठकर बात कर लेंगे। हेलो सर, आज बाइक देखने मिलेगा? मैं तो इस वक्त ऑफिस जा रहा हूँ, लंच आवर में आकर मिलता हूँ। कहाँ पर सर? राजकुमार में। आप तो बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आ गए। मैं बहुत पंक्चुअल हूँ सर। गुड। यही गाड़ी है क्या? जी हाँ सर, मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं सर, बस 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है सर। आप यहीं ऑफिस में काम करते हैं क्या? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक कार ले लूँ, तो आज ये मौका मिला है। ये अर्जुन कौन है? मैं हूँ सर, मैंने सुबह कॉल किया था, मेरा नाम देवा है। Hello? मैं मैकेनिक को लेकर आया हूँ, आप की दे देते तो। सर की, आप गाड़ी चेक कर लीजिए, तब तक मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ। ओके। चेक करने की क्या जरूरत है, सीधा ले लेता। सर कौन सा मॉडल है? 2018 का है। आप ब्रोकर हैं क्या? ओनर हूँ मैं बाइक ले जाने के लिए आया हूँ। भाई लगता है ये सच में गाड़ी ले जाने आया है। गाड़ी की कंडीशन कैसी है? सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सर, सुपर सर। आंख बंद करके ले लीजिए सर, एकदम शोरूम से निकली हुई गाड़ी लग रही है सर। सच कहूं तो एकदम फर्स्ट नाइट वाली लड़की जैसी। ऐसी गाड़ी तो चिराग लेके ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी सर। मैं तुझे यहाँ लाया हूँ, तू इनसे क्या बात कर रहा है? मान लो भाई, अगर ये गाड़ी खरीद लेते हैं, मतलब ये नहीं कोई और, तो गाड़ी में अगर प्रॉब्लम आ गई तो मैकेनिक कौन है? काम तो मुझे ही मिलेगा, है ना सर? एक मिनट भाई, जरा यार, मैंने सिर्फ गाड़ी के बारे में बात किया है, उसके रेट के बारे में नहीं। अब क्या है कि गाड़ी को कम रेट में दिलवा दूं, यही चाहते हो ना? तो चिंता मत कर, एक पार्टी है उससे तेरी डील करवा दूंगा। ओके। तो सर आप चिंता मत करें, हमारी तरफ से ओके है सर। लेकिन आप बीच में आकर क्यों टांग अड़ा रहे हैं सर? सर ये गाड़ी मैं आपको दिलवा दूं तो मेरा कमीशन कैसा है सर? इसका रेट क्या होगा? वैसे मैं एक इमरजेंसी काम के लिए बेच रहा हूँ, 35। क्या? मैं उतना पे कर दूंगा। हेलो, फर्स्ट मैं आया हूँ। गाड़ी जबरदस्त है, तुम एक साल से कह रहे थे ना दिला दो। हाँ?
चीटिंग, फ्रॉड, 420 या चोरी, इसे जो समझ रहे हैं समझ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है देवराज, यह है प्रकाश, हम इसे प्यार से मुर्गा कहते हैं। मैं जो भी कहता हूँ ये करता है, इसलिए मैं इसे बहुत लाइक करता हूँ। कहीं मारपीट की जरूरत पड़े तो हम तीनों मिलकर ही करते हैं। हमें पता है हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन क्या करें, हमारा परिवार हम पर ही तो डिपेंड है। हम खाए या ना खाए, लेकिन घर वालों के लिए पैसा भेजना ही पड़ता है। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो घटनाएं घटती रहती हैं। जो हम सोच रहे हैं वो कभी नहीं होता, और जो हम कभी भी नहीं सोचते वो अचानक हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में अपना समझ कर या अपना बनकर कोई आई है तो वो है एक लड़की जो आज भी मेरा इंतज़ार कर रही है। आज मैं फिर से वहीं पर पहुंच गया हूं जहां से शुरुआत हुई। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, हम दोनों की आंखों में आंखें डालकर बात हुई थी। वो क्या चाहती है वो मैं सोच ही रहा था, तभी उसने मुझे एक अच्छी सी स्माइल दे दी। जब वो मुस्कुराई तब हम खामोश कैसे रहे। मैंने अपनी रेंज में स्माइल दे दी, तब हमें पता चला कि स्माइल मैं अकेला नहीं दे रहा था, मेरे साथ दो और पंटर हैं। दोनों में से कोई ना कोई तो एक उसे अपने जाल में फंसा ही लेगा, इसलिए मैंने खुद ही उससे बात की। अब मैंने पहले आपको कहीं देखा है, धोबी घाट पर तो नहीं ना? नहीं मैडम, कमर्शियल स्ट्रीट में, वहाँ से थोड़ा आगे लेफ्ट में मुड़ने के बाद पजल मार्केट में। ए और नहीं तो क्या, ये वहाँ खरीदारी करने थोड़ी ना आने वाली है। मैडम शिव जी का मंदिर है, वहाँ से दो कदम दूर राजा जी के मंदिरों का शहर, किसी से पूछ लीजिएगा। हंस परिवार का घर, वहाँ से सीधा आगे जाएंगे तो गुरुपल्ली सर्कल के पास 18 नंबर का बस स्टॉप है, वहाँ से आप लेफ्ट जाएंगे 15 क्रॉस रोड सेकंड फ्लोर पे डोर नंबर 32। मैडम मैडम हम तीनों एक ही रूम में एक साथ ही रहते हैं, उस एरिया के लोग बहुत अच्छे हैं। मैडम वहाँ डॉक्टर राजकुमार जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है, उसके पास ही, समझ गई ना मैडम? मुझे मैडम कहने की जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हैं। I am Michelle DeMello. Nice name. वैसे आपका सही नाम क्या है मैडम? Michelle DeMello. It's an Anglo-Indian name. यार ये तो बहुत टेढ़ा नाम है, प्रैक्टिस करूंगा तो साल दो साल में सीख जाऊंगा। तेरे पल्ले कुछ पड़ा गया? आप अपने बारे में नहीं बताएंगे? अब वो मैं, ये अर्जुन है और वो देवा, और मैं नो आस्टिन डिकोस्टा। क्या आस्टिन डिकोस्टा? मैं भी इंडियन एंग्लो हूँ, वैसे लोग मुझे प्यार से प्रकाश कहते हैं। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं मेडिकल रेप करता हूँ। ए रेप नहीं यार, रेपो। सॉरी वो एक्चुअली फ्लो में निकल गया, यू नो क्रोसिन, एनासिन, नॉलजिन, आसिन, यूजिन, क्लोजिन। ओके ओके, इसका मतलब तुम्हारे पास टाइम रहता है ना? जी वो जी भर के सोने का टाइम मिल जाता है मैडम। मेरे पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है। अच्छा, सोने पर टाइम लगाने से अच्छा इसमें लगाओगे तो फायदेमंद रहेगा, आपको इंटरेस्ट है क्या? मैं तो रेडी हूँ मैडम, पता नहीं इन लोगों के पास टाइम है या नहीं, मैं तो फुल टाइम फ्री हूँ। नहीं, मतलब हम तीनों है? तो फिर आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए, 9845862222। ठीक है मैडम। फैंसी नंबर है, एक मिस कॉल दूं क्या? एक्सक्यूज मी, आपका नंबर क्या है? वो क्यों? इमरजेंसी के लिए। मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। आपको ज्यादा बात करना पसंद नहीं? नहीं, ये बहुत शर्मिला है, लड़कियों से तो 100 मील दूर रहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो नॉटी क्यूटी हूँ, मैं हर काम में आगे रहता हूँ।